ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। मैं हूं आपके साथ शिवानी मोरवाल। आज सभी को पता है कि उपचुनावों की गूंज अब पूरी राजनीतिक गलियारों में गूंजने लगी है। आज मौजूद है वार्ड नंबर 32 में। आप देख सकते हैं कि यहां पर समस्या का अंबार लगा हुआ है। हर एक गली, हर एक चौक पे नालियों से जो पानी है बाहर आता दिख रहा है, और जो गंदगी का है, जो कूड़े का अंबार बड़ा बड़ा सा बाहर तक दिख रहा है। यहाँ पर कुछ मेरे संग लोग, हम बात करेंगे और पूछेंगे कि इन समस्याओं के समाधान में वो कौन सी पार्टी पे विश्वास करना चाहिए। तो ये चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। हम कुछ लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार उनका समर्थन किसके साथ है। समस्या बहुत है इलाके में, उपचुनाव भी होने वाले हैं, तो कौन सी पार्टी आपको समर्थन देना चाहे, मतलब कि आश्वासन दे रही है आपको कि कुछ काम करेगी? आश्वासन तो सब देते हैं लेकिन करते कोई नहीं है। कोई नहीं करता है। इसलिए हमको किसी पार्टी से मतलब नहीं, हमको काम होने से मतलब, विकास से मतलब, की विकास सिर्फ विकास से मतलब है। कांग्रेस का इस बार जो मुद्दा है वो विकास को लेकर कि वो आएगी तो विकास करेगी, तो है समर्थन? कोई से भी पार्टी है, हमको किसी पार्टी से लेना देना नहीं है, ना हम किसी पार्टी का हैं। हमको तो सिर्फ विकास होना चाहिए। हमारे इधर साफ सुथरा, जो हमारे बच्चे हैं, आने वाले सदस्य हैं, उनको सुरक्षा चाहिए, अच्छे से वो चल सकें। बस अकेला हमारे नाले इनका काम देख के हो रहा है गंदगी, और देखिए चोट लग रही, ये नाले में यहीं गिरी, ठीक है, ये पूछला भी नहीं जाता है। चुनाव हो रहे हैं, कौन सी पार्टी इसको समाधान नहीं पा रही? भाई पता नहीं, सारी पार्टी आली पहले करा था या कांग्रेस ने? अच्छा, तो कांग्रेस ने, कांग्रेस ने बस आई थी वो। अच्छा। उसके बाद किसी ने कुछ नहीं कर रखा यहाँ। तो कांग्रेस में विश्वास करेंगे आप? हम कांग्रेस में भी नहीं कर रहे, जो पार्टी है वो ही करो। यहाँ पर आपके घर के आगे ही यहाँ पर पानी बह रहा है, नालियों से बाहर निकल रहा है, तो क्या लगता है उपचुनाव भी हो रहे हैं तो समस्या का समाधान निकल पाएगा? अरे हम तो बहुत कम हैं भाई, हाथ भी जोड़ ले, हमारी नाली साफ करो। अच्छा। बच्चा गिरे पड़े हैं, हम बूढ़ा टेरा हमने देखता को रहा, तो हम भी गिर जाए। अच्छा। तो मुझे पता था ना, इसने ठीक करो, नाली साफ करवाओ। तो किस पे विश्वास करना चाहेंगे आप? किसका समाधान निकल पाएगा? अरे समाधान माता ने कहो भाई, कोई बन जाओ उसका समाधान से, समझा? चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे मोदी हो, चाहे केजरीवाल। चुनाव होने जा रहे हैं 28 तारीख को, तो किस पे विश्वास करना चाहते हैं, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस या बीजेपी? किस पे करूं, मुझे किसी पे भी नहीं है। क्यों? कोई कुछ नहीं करता। अभी हमने आपको वहाँ पर नालियों के जो बाहर निकल रहा है पानी, उसकी समस्या दिखाई, कूड़े की समस्या दिखाई। एक और जो समस्या यहाँ पर दिख रही है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पानी तो गलियों में बह ही रहा है, और साथ ही साथ यहाँ पर कोई जो छोटे छोटे बर्तन है घर के, उन्होंने यहाँ पर पानी भरने के लिए लगा रखे हैं। कब से आए पानी भरने यहाँ पर? अभी अभी आए थे। अच्छा, तो पानी मिलता है टाइम पे? हाँ मिल जाता है कभी कभी। समस्या क्या क्या होती है? नहीं मिलता है। पाइप लगता है ना? हाँ जी बताइए, क्या बता रहे हैं आप? खाली भी रह जाते हैं और भर भी जाते हैं, ऐसे ही होता है यहाँ पे। तो और ये वो आया था टेम्पो पानी देने वाला, आया कितना देकर के? हाँ वो देकर गया, पानी तो भरे है, कोई खाली रह जाता बर्तन, आधा भर जाता है, ऐसे ही होता है। समस्या पानी की है बहुत ज्यादा। हाँ पानी की समस्या, और लेने में पानी आता तो बिल्कुल गंदा पानी आता है। आप देख सकते हैं पानी तो काफी यहाँ पर सही सा दिख रहा है, ये देख सकते हैं, ये तो काफी सही है। अभी यहाँ पर जो टैंकर आया था पानी का, वो भी पानी देकर गया है। तो कितने देर पहले खड़ा होना पड़ता है पानी के लिए? कभी आधा घंटा खड़ा होना पड़ता, कभी पूरा दिन खड़ा हो जाए, टैंकर नहीं आता है, और इंतजार गर्मी में करा करो, मारे मारे घूमो, आता है तो मिलता भी नहीं पानी, अपना अपना भर के भगते हैं। लगता है कौन सी पार्टी आएगी ये समस्या को दूर करेगी? अब क्या बताऊँ, कोई आवे देख लो, नाली का पानी, हम लोग नाली का पानी लाइन में कभी आता तो लाइन नाली का कोई सुविधा है ना, नाली साफ हो रही है ना कुछ नहीं। यहाँ पर पानी भरा हुआ है पूरी नालियों को, तो क्या क्या परेशानियाँ हो रही है घर में जाने से? घर में जाने की गंदगी जाती, कितनों सफाई करो, गंदगी तो गंदगी ही है, अब इसमें सब गंदे पानी है, कोई साफ तो है नहीं। आप देख सकते हैं कि समस्या काफी है, पानी की तो जो मुख्य समस्या वो तो है ही, साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफी समस्या है, पूरी गली जो है पानी से भरी हुई है। आप देख सकते हैं आगे तक यही हाल हो रखा है, लोग इसी पानी को लेकर या जो उनके जूते चप्पलों में लगकर ये घर तक भी जाता है, सभी ने अपने घर के आगे यहाँ पर एक छोटे छोटे ये जो ड्राम से रख रखे कि पानी आएगा तो हम भरेंगे। क्या लगता है जी, चुनाव हो रहे हैं तो क्या लगता है कौन सी समस्या कोई समाधान करने वाला है? कोई नहीं है यहाँ पे, कोई करवाने वाला ही नहीं। हमारे उपकार जो जीता है वो एमएलए, एक दिन भी तो आया नहीं है यहाँ देखने के लिए।
तो अब जो कांग्रेस पार्टी है बोल रही है कि हम विकास के नाम पर इस बार वोट लेना चाहते हैं, आम आदमी पार्टी भी पहले करवाओ और फिर वोट लो। अच्छा, आप पहले करवाओ, आप पहले काम फिर वोट, पहले काम फिर वोट होगा। हाँ, पहले करवानी, वादे पे वादा देते जाते हैं और काम करवाते कुछ है नहीं। ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, इतने सारे बोले अभी तक कुछ भी नहीं करवाया। सीवर लाइन तक बोला इन्होंने, सीवर लाइन तक नहीं डलवाई इन्होंने, और ना कुछ, और वोट लेने के टाइम में आगे ये ऐसी पानी चालू नहीं कर रखे है, चालू नहीं करवा रखे है। गंदे पानी आते हैं, नाली का पानी आता है। एक दो बार आया अभी तक, तो नाले का पानी आया। क्या बात है, हालत देखो कैसी हो रही है। वोट लेने समय हाथ जोड़ के आते हैं। लोगों में काफी रोष, उनका कहना है कि इस बार एक हाथ से ले और एक हाथ से दे, यानी कि पहले हम अपना काम करवाएंगे उसके बाद वोट देंगे। अब देखते हैं कि 3 तारीख को क्या रिजल्ट निकल के आता है और शाहबाद डेयरी का राजा यानी निगम पार्षद कौन बनता है। कैमरामैन योगेंद्र के साथ मैं शिवानी मोरवाल, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर